Hey everyone, welcome to Sinkori Education. I'm Muskan Kaul in front of you all, and आज मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में, यानी दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में, जिसका आज मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाऊंगी. तो फटाफट लेट्स स्टार्ट इट. बिल्कुल बिना देरी किए हुए हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इसे. तो पहली चीज़ है मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र. बेसिकली मिरर फार्मूला होता क्या है? तो मिरर फार्मूला का सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे, एक फार्मूला है ये, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, राइट. ये है एक फार्मूला जिसमें u और v हम पता करेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दोनों एक ही बात है. तो अब हम देखते हैं कि u बेसिकली क्या है. u जो है वो एक डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस, यानी बिंब और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे हम डिनोट कर रहे हैं? u से, राइट. तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा बिंब था वो, और पोल का जो डिस्टेंस था, पोल को हम बोलते हैं ध्रुव, राइट. तो ये क्या है? u, यानी u क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल. अब बात करते हैं v की. v क्या है? v है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, यानी प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा v. तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, राइट मेरे प्यारे बच्चों. ये हो गया हमारा u और v. तो ये u और v मैंने आपको बता दिया. अब बात करते हैं f की. तो f क्या है? f है डिस्टेंस, वो भी डिस्टेंस ही किसका? प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस है और पोल के बीच का डिस्टेंस है. तो f जो है वो प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच का डिस्टेंस है, वो हम किससे बताते हैं? f से, राइट. तो इसी के कारण ये जो है ये आया है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये तो हमने देखा जो हमारा मिरर फॉर्मूला था, यानी जो हमारा दर्पण सूत्र था. अब बात करते हैं हम जो हमारा आवर्धन है, यानी जो हमारा मैग्निफिकेशन है. बहुत, वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है मैग्निफिकेशन जो है. अब आप सबसे पहले एक चीज़ सुनो, इसमें आपको घबराना नहीं है. इसमें बस आपको दो फार्मूला याद करने हैं. पहला फार्मूला तो है ये वाला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिसमें v मैंने आपको बता दिया इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, u है ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस, और f है प्रिंसिपल फोकस ऑफ पोल के बीच का डिस्टेंस, राइट. ये हो गया है क्लियर. जो मैग्निफिकेशन है यानी जो आवर्धन है, ये भी बहुत ईजी. सबसे पहले जो मैग्निफिकेशन है वो होता है m, उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से. किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से. तो बेसिकली अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट. इमेज यानी जो हमारा प्रतिबिंब है, किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्मॉल h और ये एक छोटा सा डैश लगा देते हैं. तो स्मॉल ये एच डैश, और दूसरा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो बिंब है उसकी ऊंचाई, इसको डिनोट करते हैं एच से. तो अब आप देख सकते हैं, अब आप फटाफट मुझे बता दीजिए, दूसरा फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h, राइट. अब हम इसको u और v के साथ कैसे लिखेंगे? तो ये एच डैश क्या है? हमारा हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ इमेज का डिस्टेंस क्या था? v था. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v अपॉन u. ये वाला पॉइंट समझ में आया कि हमने इसे v अपॉन u क्यों लिखा मेरे प्यारे बच्चों? ये इससे लिखा क्योंकि ये h डैश क्या बता रहा है हमें? इमेज की जो है सॉरी जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई बता रहा है. तो यहाँ जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो तो एच डैश ने बता दी, और यहाँ अभी हमने इस वाले फॉर्मूला में देखा था, तो यहाँ पे v क्या बता रहा था?
वो भी तो यही बताया था, वो डिस्टेंस बताया था इमेज और पोल के बीच में, यानी प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच में जो डिस्टेंस था वो भी बताया था। तो सिंपल ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं दोनों फॉर्मूला को याद रखिए और हम इसके साथ करेंगे एक न्यूमेरिकल। अच्छा, कल वाली क्लास में एक और चीज़, शायद पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताई थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 into फोकल लेंथ, ये किसी को याद है जो मैंने आपको कहा था ये वाली टॉपिक, ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड होंगे। तो चलिए, ये तीन, 1/1/v plus 1/u is equal to 1/f और दूसरा m is equal to h' upon h which is equal to v upon u, ये हो गए दो फॉर्मूला जो हमें किससे मिले, जो दर्पण सूत्र था और एक आवर्धन यानी जो मिरर फॉर्मूला था, और मैग्निफिकेशन से हमें ये दो जो हमारे फॉर्मूलाज हैं ये मिले हैं। तो फटाफट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है देखिए, चलिए, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 m। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है 3 meters, राइट? कितना दे रखा है हमें? 3 meters, यानी हमारा आर जो है, हमारा आर क्या हो गया है? 3 meter। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 meter फ्रॉम दिस मिरर, अगर एक बस जो है वो 5 meter के डिस्टेंस पे खड़ी है इस मिरर से, तो फाइंड द पोजिशन, हमें क्या बतानी है? पोजिशन बतानी है पहली चीज, नेचर बताना है और साइज ऑफ द इमेज बताना है। हिंदी में पढ़ते हैं तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्य कितना दे रखी है? 3.0 m, वही नॉर्मल। यदि एक बस इस दर्पण से 5 meter की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है और साइज बताना है, ये हमें बताना है। तो हम फटाफट देख लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, हमें ये त्रिज्या बता रखी है यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या जो है ये हमें कितनी बता रखी है? 3 बता रखी है। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको बेसिकली आर से डिनोट करते हैं। तो क्या दे रखा है हमें आर? 3.00 m, यही है मेरे प्यारे बच्चों, 3.00 m हमें दे रखा है r। फिर बिंब की दूरी कितनी दे रखी है हमें? बिंब की जो दूरी है वो दे रखी है हमें, यानी u हो गया वो इज इक्वल टू -5.00 m। अब आज का आपका टास्क है, आप मुझे ये बताने वाले हैं कि बेसिकली ये यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, तो ये आप मुझे फटाफट बताएंगे। जिसने सही बताया उसको तो प्राइज़ मिलेगा ही। तो फटाफट आप देखिए, बहुत इजी सा है ये, मैंने आपको बताया है पहले भी, तो ये बहुत इजी पॉइंट है एक की, ये 5 क्यों, माइनस क्यों आया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है? हमें v बताना है, राइट? v हमें बताना है यहाँ पे, और उसके साथ साथ हमें क्या बताना है? हाइट बतानी है इमेज की, यानी h डैश हमें बताना है, राइट मेरे प्यारे बच्चों, एच डैश हमें बताना है। अब आप बात करो फोकल लेंथ की, फोकस की दूरी का फॉर्मूला यानी क्या था? r इज इक्वल टू 2 into f था, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया? r/2 हो गया। ये सब ने देख लिया, ये तो इजी सा है, किसी इसमें टेंशन नहीं। r कितना है हमारा? 3 है, 3.00, और 2 तो ये क्या आ जाएगा? 1.50 meter हमारा, राइट? हमारा f क्या आ गया? 1.50 meter आ गया हमारा f। तो अब मिरर फॉर्मूला जैसा था, therefore since 1/v plus 1/u is equal to 1/f, यही था। तो हमें इसमें क्या पता है? हमें इसमें 1/v निकालना है, u हमें पता है, f हमें पता चल गया, तो 1/v is equal to 1/f minus 1/u। अब इसमें 1/f कितना हो गया? 1/-1/5.00। इतना आई होप सबको क्लियर होगा, इतने में किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बता दो कि ये तो नॉर्मल है ना कि f की वैल्यू हमें 1.50 दे रखी थी और u की वैल्यू हमें -5 दे रखी थी, 1/-5 हो गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। 1/v तो हमें निकालना ही है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो साइंस में चेंज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1/1.50 प्लस 1/5.00, क्योंकि वो दो, वहाँ दो माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अब इसका हम ले लेंगे LCM,
1.50 और 5.00 का एलसीएम फटाफट मुझे बताइए क्या होता है, फटाफट फटाफट कमेंट सेशन में बताइए। चलिए टाइम देती हूँ, मैं 10 तक काउंट करने वाली हूँ, आप मुझे बताने वाले हैं। सो टिक टिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। मैं बताती हूँ इसका एलसीएम हो जाएगा 7.50। अब वो तो इसके आगे का प्रोसेस तो सबको पता ही है, 5.00 प्लस 1.50 कितना हो जाएगा, ऐड ऑन कीजिए जल्दी जल्दी, ऐड ऑन कीजिए, ये हो जाएगा 6.50 अपॉन 7.50। तो अब ये 1/v था, हमें v चाहिए है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7.50 अपॉन 6.50, राइट। इतना सबको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसे ही इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो अब मुझे जल्दी से वी की वैल्यू बताओ फटाफट फटाफट। फिर से आई एम काउंटिंग टिल 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसका आंसर होगा 1.15 meter। मेरे प्यारे बच्चों, तो v की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 1.5 meter। अब हम इसे वो मैग्निफिकेशन वाले उससे भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो वो आपको उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h विच इज इक्वल टू v अपॉन u, राइट। अब v की वैल्यू कितनी है हमारी, 1.15 meter, और हमारी u की वैल्यू कितनी थी, -5.0 थी। कर दीजिए फटाफट से इसको सिंप्लीफाई। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा 0.23 meter का, राइट। होप ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब ये जो इमेज बनी है, ये बनी है वर्चुअल। ये कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल। नेक्स्ट वर्चुअल के बाद ये बनी है, वर्चुअल के बाद इरेक्ट, इरेक्ट बनी है और स्मॉल साइज में बनी है, ये है। यानी ये इमेज जो है ये बनी है, आभासी बनी है, सीधी बनी है, तथा इसका साइज जो है, जो बिंब का साइज है वो कितना है, वो किस कैसे है, मतलब बेसिकली वो है छोटा है, कितना छोटा है, 0.23 टाइम्स वो छोटा है। साइज कितने टाइम्स छोटा है इसका, 0.23 टाइम्स इसका साइज छोटा है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन सॉल्व, राइट मेरे प्यारे बच्चों। एक चीज जो हाँ आप मैंने आपसे पूछी है, वो माइनस क्यों आया, तो उसका मैं आपको बताती हूँ, वो आप मुझे बताएंगे टास्क। लेकिन उससे पहले ये आप देखिए, जैसे कि एक मिरर है, राइट, आपको सबको दिख रहा है, ये हमने मिरर मान लिया और ये हमारी एक एक्सिस ले लो आप, एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी आपतित प्रकाश की दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर, जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो हाइट अगर अपवर्ड होगी, ऊंचाई अगर ऊपर की तरफ होगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ऊंचाई नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हाइट होगी, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। दूसरी बात, जब भी डिस्टेंस राइट साइड में होगा अगर डिस्टेंस राइट दाईं ओर से दूर की दूरी पे होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, और बाईं ओर की दूरी पे होगा तो वो होगा नेगेटिव, यानी अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो वो होगा नेगेटिव। इसे बेसिकली बोला जाता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यानी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये बेसिकली है आपके माइनस और प्लस साइंस के पीछे का बेसिक रूल, मतलब किस तरफ माइनस आएगा, किस तरफ प्लस आएगा। तो वो माइनस का साइन क्यों आया, वो -5 इस वाले जी वाला जो हमने अभी जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, इसमें ये -5 क्यों है, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट सेशन बताने वाले हो। प्राइस का तो मैंने आपको बताया ही था, जो सही से आंसर्स देगा, जिस जो फटाफट आंसर्स देगा, उन बच्चों के जल्दी से नाम होंगे अनाउंस बिल्कुल हमारे लाइव क्लासेस में। तो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे, आप सबके पास व्हाट्सएप जो है, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको कोई भी अगर डाउट है।
बस बेसिक आप ये जो दो फार्मूलेज मैंने आपको बताए थे अभी, मिरर फार्मूला और ये जो मैग्निफिकेशन फार्मूला था, इन्हीं दोनों फार्मूले को आप याद रखना, इन्हीं से आपके सारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हो जाएंगे सॉल्व। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। बस टास्क जल्दी से मुझे कंप्लीट करके आप सब बता देना कि वो माइनस का साइन क्यों आया, जल्दी से जल्दी। बाय बाय गाइस।